में देखो क्या है यार, जगह थी यार, बचा रहे हो यार, पागल हो गया, जगह बिल्कुल भी नहीं, तुम नीचे देख रहे हो और वो भी बहनों को चला रहा है। अरे जगह थी यार भाई, अपनी गाड़ी उधर कटती हुई जा रही थी, तो डैश कैम की वीडियो निकाल के देख लेना। चलो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करते हैं मनाली ट्रिप की, बैग की पैकिंग है इसमें, थोड़े गैजेट्स और कैमरा चार्जिंग वगैरह सामान है इसमें, कपड़े हैं, तुम्हारा भाई भी तैयार है, एक वीडियो अपलोड हो रही है, ये होते निकल लेंगे यहाँ से, इसी का वेट कर रहा हूँ बस। चलो मिलते हैं गाड़ी में पहुँच के, बाय बाय। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मनाली और आपको दिखाता हूँ विंटेज कार, देखो ये देखो, शादी ब्याह में लेके घूम रही है विंटेज कार, बना रखी भाई बढ़िया, सही भगा रहा भाई लौंडा, 70 रुपए तो मेरी गाड़ी, मारुति का फैन है, फुल ओपन है एकदम, ये लहरी देखो भाई, क्या बात है, क्या चल रही है यार गाड़ी लेके लौंडा। अरे 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 तो भाइयों ये है ISBT, यहाँ पे आप आओगे कश्मीरी गेट में है, कश्मीरी गेट ISBT, और इधर से अभी सामने एक बस वॉल्वो निकल के गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो आगे यहीं से बस बाहर निकलती है, आपको अंदर जाना पड़ेगा यहाँ से बस लेने के लिए मनाली की। तो बस का मैंने आपको दिखा दिया है, और अभी एक चीज़ एक और दिखाता हूँ, जहाँ से आपको प्राइवेट बस एनी टाइम मिल जाएगी, जिसको मजनू का टेला बोलते हैं, वहाँ से भी आपको वॉल्वो दिल्ली से मनाली के लिए, चंडीगढ़ के लिए, शिमला के लिए मिल सकती है, मनाली के लिए, चंडीगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा होती हैं, यहाँ से भी शिमला के लिए भी काफ़ी होती हैं। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मजनू का टेला आगे, रुक दो। ये है मजनू का टेला, राइट हैंड पे मजनू का टेला है मेरे, और लेफ्ट हैंड पे जो पंप आप देख रहे हो ये इंडियन ऑयल का पंप है, इसी के बाहर यहीं पे वॉल्वो लगती है, अभी नहीं है, शायद निकल चुकी हैं, 12:30 हो रहे हैं रात के, तो जहाँ पे ये ट्रक खड़ा है यहाँ पे, यहाँ इधर मेरी गाड़ी के आगे इधर लगी रहती हैं वॉल्वो, और अंदर उधर मनाली के लिए सबसे ज़्यादा रहती हैं, ऐसे चंडीगढ़ वगैरह के लिए भी मिल जाती है, शिमला के लिए, तो आप मगर यहाँ से जो मिलती हैं वो सारी प्राइवेट होती हैं, वो कोई भी रोडवेज सरकारी वॉल्वो नहीं है वो, ठीक है। और जो सरकारी वॉल्वो मैक्सिमम प्राइवेट जो वॉल्वो मुझे जितना पता है वो ISBT के अंदर नहीं जाती, अगर आप वहाँ से आओगे भी या उनको लोगे भी, वो आपको बाहर से मिलेगी और बाहर ही उतारेगी, तो आपको अगर प्राइवेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ISBT के बाहर से भी ले सकते हो, और आपको सरकारी में जाना है वॉल्वो में तो उसके अंदर ही मिलेगा ISBT के। मुँह था लागे भाई, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते ताकि नींद ना आए, नींद का सा माहौल हो रहा है थोड़ा। अमरीक पे चलते हैं, पीते हैं कुछ चाय कॉफ़ी, चाय तो पीने का मन नहीं है यार, कॉफ़ी पियेंगे और नींद भगाएंगे, खाना तो खा रखा, भूख लो तो भूख तो है नहीं, भीड़ बहुत है यार, भरा पड़ा पूरा। चलो मिलते हैं चाय वाय कॉफ़ी पी के बताता हूँ आपको। पीछे का ढाबा छोटा सा, चाय पानी के लिए रुके हैं, यार नींद आ रही थी, मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं, रास्ते में पीछे 3-4 दुकान, काफ़ी दुकानें मिली थी बट कॉफ़ी कहीं नहीं मिली, चाय मिल रही थी और मुझे नींद भगाने के लिए मुझे कॉफ़ी पीनी थी, तो इसलिए मैंने कहा यार छोड़ो, जहाँ पे कॉफ़ी मिलेगी वहाँ पे रुकेंगे, तभी यहाँ पे मैंने पूछा भैया को कॉफ़ी है, तो थोड़ी सी कॉफ़ी पीते हैं, नींद भगाते हैं और चलते हैं उस तरफ, पहाड़ों की तरफ जाना आगे। भाइयों कॉफ़ी पी ली, ठंड बहुत है बाहर और चलते हैं मनाली की तरफ, और ठंड में चलते हैं, ऐसी है ना जैसे दिल्ली में जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है ना, ऐसी ठंड है, आया चुप जा, ऐसी ठंड है ना, ठंड की ठंड है ना, फिर टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं है लेकिन फील ज्यादा हो रही है। मनाली का रोड एक्सटेंशन का काम अब से नहीं चल रहा यार, ये मैं पता नहीं कब से देख रहा हूँ, मुझे कब से याद है, मैं देखे जा रहा हूँ से, ये चले जा रहा है, कभी इधर साइड का कभी उस साइड का, रिवर तो ऑलमोस्ट सूखी सी हुई है, अभी चल रहा है रोड एक साइड का बंद है, एक साइड का चल रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है आने जाने में,
अरे भाई क्या बुलेट ले, सही चला रहा, मगर वहां से ऐसा लग रहा था कि बीच में चल रहा है। आंखें कमजोर हो गई, नींद ज्यादा आ रही है, नींद ज्यादा आ रही है, नींद ज्यादा आ रही है, भ्रम हो रहा, भ्रम भ्रम हो रहा आंखों को। तो देख सकते हो जैसे कि आप, अमित हमारा दया भाई भ्रम की स्थिति में आ चुका है, अब इसको चलते फिरते भ्रम हो रहा है। सारी पब्लिक को बता भ्रम हो क्योंकि मेरा नाम यूं लगा दिया। पब्लिक को है कितने देखने वाले यार, 8 जने 10 जने वीडियो देखते हैं। क्या पब्लिक है, 8-10 में से 5 तुम्हारे घर वाले, 4 मेरे घर वाले, ये टोटल हमारे घर की वीडियो देखी जा रही है। देखो यार सामने का पहाड़ देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है। अगर अगर इस पहाड़ को अगर उसमें देखे ना मानसून में, पूरा हरा दिखेगा और बहुत बहुत बढ़िया लगेगा। अभी थोड़ा सा ब्राउन सा दिख रहा है, टेस्टी सा, ऐसा क्यों लग रहा है कि बारिश आने वाली है? बारिश तो भाई होगी, कल का है बारिश का सीन, इसलिए तो हम आज आ गए। और आपको अगले व्लॉग में, इस व्लॉग में तो शायद इस व्लॉग में दिखा, देखो कल हो गया, अभी एक दिन का व्लॉग, 2 दिन तक खींचना एक व्लॉग को उतना ठीक नहीं है यार, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है, तो इसलिए आपको कल के व्लॉग में मिलेगी। इससे अगले व्लॉग में स्नोफॉल लाइव। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए हैं चैनल पे, भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट और घंटा दबा दो, फोन को मारो अपने सर में, या तो सर का घंटा बज जाए या फोन का घंटा बज जाए, ऐसा कर दो। पेट्रोल पंप, अरे पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा हुआ है, पेट्रोल पंप है ही नहीं, ये क्या धोखेबाजी है भाई। पेट्रोल पंप है ना ऊपर, डिग्गी लेके जाओ, वो स्लो, चलो स्लो चलते हैं भाई। रसोई 95 यार, रोकी थी बस वाले ने, वॉल्वो वाले ने, खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए, सारे बंदे बैठ भी नहीं पा रहे। सेटिंग भाई 100 किलोमीटर रह गया भाई साहब यहाँ से मनाली, सिर्फ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अगले दिन नेक्स्ट डे आपको मिलेगा स्नोफॉल। देखो यार चांसेस तो मनाली में भी है, उम्मीद तो है, देखो मौसम विभाग के अनुसार अगर नहीं भी हुआ ना मनाली में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अटल टनल के उस पार चलेंगे अगर जाने दिया तो, ऑल ट्रेन टायर है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। जाने क्यों नहीं देंगे? अरे नहीं जाने देते ना स्नोफॉल के टाइम पे कभी कभी। बस यार वो सामने देखो क्या यार, जगह थी यार, पागल हो क्या, जगह बिल्कुल भी नहीं, तुम नीचे देख रहे हो और वो भी स्कैम की वीडियो निकाल के देख लेना। चलो देखेंगे, अपनी गाड़ी उधर कटती हुई जा रही थी, सीधी जा रही थी, मोड़ तो मैं रहा था इधर को, तो गाड़ी मैं रोक लो, तुम सो लो भाई, गाड़ी ना मैं नीचे देख रहा था यार, जीपीएस तुम्हारा मोबाइल बार बार नीचे को गिर जाता है, इसे मैं ऊपर को कर रहा था वापस, वो भी उधर को, गाड़ी भी उधर को जाया जा रही है। कोई बात नहीं यार, एक दिन लगता, 2 दिन लगता है ये ठीक करवा के, फिर चल देते आगे, क्या हो गया। उसके पास भी टाटा, अपने पास भी महिंद्रा, चोट तो किसी को लगनी नहीं थी, गाड़ी 20-30 की स्पीड में, गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी कौन सी थी देख लो, नींद आ रही, कौन सी गाड़ी थी, टाटा की तो थी, जैज थी, जैज तुम्हें सोचो गाड़ी नहीं दिखी, कब से कब गाड़ी निकल गई, अरे लाल कलर की जैज, मुझे लगा टाटा की वो थी जैज वगैरह, जैज थी होंडा जैज। कोई बात नहीं यार, 20-30 की स्पीड में किसको चोट लगती है, मगर लगनी नहीं चाहिए गाड़ी, ये बात ठीक है भाई। जेसीबी की कोई इंटरेस्टेड है देखने की वीडियो, खुदाई चल रही है, रोक के दिखा दूं, बना दो 2 घंटे का, बना दो 2-3 घंटे का, लोग देखेगा वो जेसीबी की खुदाई। मोहल्ले में जब भी गली में जेसीबी वाला आ जा किसी के, मतलब पब्लिक ऐसे देखने जुट जाती है, मिडिल क्लास फैमिली। और देखो यार कोठी वोठिया जो ये जो बड़े लोग होते हैं, अरबोपति खरबोपति आदमी,
ये तो मुझे लगता है पता नहीं कब घर से बाहर निकलते भी नहीं निकलते, कैसे निकलते समझ नहीं आता। यानी क्या तो जेसीबी से खुदा ही हो चाहे मेट्रो की, उन्हें मैंने नहीं देखा खड़े हुए देखते हुए। मगर हाँ, जहाँ भाई रहते हैं अपने आसपास की कॉलोनियों में, अपने मिडिल क्लास लोग जो हैं, यहाँ देखा है, यहाँ जो आ जाए ना मशीन हंगामा समझ जाता है। एक मंदा ऐसा लगा मंदारी आ गया, पब्लिक का एंटरटेनमेंट होता रहता है बैठ के। और इतनी भीड़ होती है ना, क्या उसको काम नहीं कर पाता बेचारे को, वो काम नहीं कर पाता। अरे इधर से आवाज, इधर से आदमी हटाओ भाई, अब इधर से आदमी हटाओ, वो प्रेशर में आता था। नहीं फिर यार करूँ ना, वो मट्टी को हटा पाता, वो आदमियों को ज्यादा हटाता रह जाता बेचारा उतर उतर के। पाकिस्तान की वीडियो में क्या होता है, मुझे बर्गर चाहिए बर्गर। वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो कहता है क्या मसला, क्या भाई टेस्ट वेस्ट चल रहा है हिमाचल पुलिस का शायद। ओहो पुलिस सर, पुलिस सर, वो कितनी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ, सारे गाड़ियों में आए, वो गरीब गरीब नहीं है क्या, बस उसमें आ जाए तो हम जैसा। यार जो मतलब लॉन्ग रूट के ट्रक रहते हैं ना, ये मैंने देखे हैं, बंदों को क्या शौक रहता है यार इन्हें सजाने का भी। कोई कोई इतना सुंदर बना के रखता है ट्रक को, हमसे इतनी इतनी छोटी छोटी गाड़ियां आई ट्रक के मुकाबले ये नहीं साफ होती। और वो यार ट्रकों को ऐसे रखते हैं एकदम, मिडिल क्लास आदमी की बड़ी समस्या है यार। देखो इतना पैसा नहीं कि सफाई वाला बंदा रख ले, ठीक है, और खुद मेहनत करना चाहते नहीं। सारी पब्लिक ऐसी घूम रही है यार। जरा वेट, मैं रास्ता पूछता हूँ मनाली का। भैया मनाली के लिए, मनाली सीधा सकल के बच चुके हैं 32 और ये तो सो गया। यहाँ पे गाड़ी रोक लिया यार थोड़ी देर के लिए ना, ऐसी मतलब वो टनल जो है कुल्लू मंडी वाली वो पार करने के बाद थोड़ा सा आगे आके अपनी गाड़ी रोक ली, एक नींद का टाइम लैप ले लेते छोटा सा, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। बाय बाय भाई, 11:30 होने वाले, 11:23 हो गए, पता ही नहीं चला कब कैसे सो भी नहीं पाए और टाइम का भी नहीं पता चला क्या क्या हुआ। कल निकलते हैं मनाली पहुँच के होटल लेके, तभी सोएंगे, आज ज़्यादा दूर नहीं है। सकल का और नींद का 42 बज गए भाई, और मनाली पहुंचने वाले भाई रह गए यहाँ से 50-55 किलोमीटर करीबन बस 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे GPS NT के मुताबिक। पहुंच के पहले यार सोएंगे होटल लेके, फिर देखते हैं हमने मनाली में करना क्या है, हम आए क्यों है मनाली, इतनी ठंडे हीटर चलाना पड़ रहा है यार बताओ। अभी तो 50 किलोमीटर दूर है, अभी से हीटर चल रहा है गाड़ी, ऐसे कैसे दिन कटेंगे, कैसे कैसे घूमा जाएगा इतनी ठंड में। बाहर उतरते सुड़सुड़ी हो रही है, सुड़सुड़ी पानी खराब है, और पानी देखो कितना ठंडा और नीला पानी चल रहा करते एकदम हरा गाढ़ा, ऐसा लग रहा है पानी में जो उंगली डाल दी ना तो इतनी जम जाएगी, यूं करते टूट जाएगी, थ्राक चूर चूर हो जाएगी एकदम से, बहुत ठंडा भाई। सुनी थी यार अब तक की स्नोफॉल पड़ने से एक दिन पहले बहुत ठंड पड़ती है, आज देख रहा हूँ रात को पता नहीं क्या होगा। पर यार ये मनाली में यार होटल का जो चार्जेस है उसमें ये वो नहीं इंक्लूड रखते, क्या कहते हैं उसको, हीटर, हीटर के पैसे हमको अलग से देने पड़ते हैं यार। कई होटलों में है शायद किसी में ना भी हो, बट अभी तक मेरी जहाँ भी बात हुई है सबने अलग से ही मांगी मेरे से। देखो कहाँ मिलता है रूम में हीटर मिलता है नहीं मिलता है, ऐसी कंबल का हीटर बनाना पड़ेगा, देखी जाएगी। बजट खराब होगा तो गाड़ी भी सोना पड़ सकता है। आगे के नज़ारे देखो मनाली पहुंचने वाले हैं। राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग की दुकानों के बुकिंग नंबर है 300-700-7007। भाई इतनी ठंड में हमसे ना तो पैराग्लाइडिंग हो ना राफ्टिंग हो, इतनी
ठंड में तो हम बस सो सके आराम से, कंबल ओढ़ कर कुट्टे देसी। कुल्लू मनाली लेफ्ट चाहिए। ओके जी, तो भाइयों ये है मनाली का वॉल्वो का बस स्टैंड या ISBT जो भी बस अड्डा जो भी कुछ भी कह लो आप। ये लेफ्ट में आप देख सकते हो सारी बसें और टैक्सियां खड़ी हैं, आप यहाँ से उतर के यहीं से टैक्सी ले सकते हो अगर और आगे कहीं जाना है तो, ना तो भैया यहाँ से उतर के यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएंगे। मैं आपको गेट दिखा देता हूँ इसका, ये इसका गेट है, यहाँ से लेफ्ट में मेरा गेट दिखा दूँ, ये इसका एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, यहाँ से उतर के आपको ऑटो मिल जाएंगे। बाकी आप चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे ऊपर राइट में जो कट गया है इधर से, ये माल रोड के लिए गया है। तो आप बहुत ज़्यादा सामान है तो आप यहाँ से ऑटो टैक्सी कर लो माल रोड के लिए, यहाँ से है 1 किलोमीटर, अब नहीं है तो आप पैदल भी जा सकते हो, ज़्यादा सामान नहीं है आपको, बोला आप टांग सकते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस है। और आप दिल्ली से आएंगे तो पीछे की तरफ से आएंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए इस तरफ से आया था, वो जो मैं आपको स्टैंड दिखाया, जब आप दिल्ली से आओगे तो आपके राइट में पड़ेगा और सोलांग वैली से आओगे तो लेफ्ट में पड़ेगा। भाई होटल मिल गया, माल रोड पहुँच गया मनाली, माल रोड से करीबन 50 मीटर दूर होगा यार शायद ये है, यहाँ पे मिला हमको 4 रुपये का रूम 2 लोगों के लिए थर्ड फ्लोर पे। ये रूम है, इंटरकॉम है, टीवी है, बाकी एक सामान रखने के लिए अलमीरा टाइप है। ये माल रोड से थोड़ा सा अंदर है, 50 मीटर समथिंग, बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस है। इनकी अपनी पर्सनल पार्किंग भी है, वो मेरी गाड़ी खड़ी है नीचे वाइट कलर की जो है वो अपनी है। ये है भाई विंडो से व्यू, मुझे लग रहा ऊपर बर्फ पड़ी है भी आजकल में शायद, पता नहीं, मेरी अपनी विंडो से व्यू आ रहा भाई। देखो to wear your seat belt for a safe drive.